काहे मनीष भैया के भइल जेल हो, निक नहीं लागता का नून के ही खेल हो। गरीब के हक खाती लड़े ले लड़ैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया। समझ आवे कुर्सी के शासन, गुंडा मावाली के ना रोके परे शासन। कमी सुधारत रहले पूरा बिहार के, काहे फसावल गइल नेक पतर करके। गरीब के हक खाती लड़े ले लड़ैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया। देख लीजिए, चंदा जी ने तो मनीष कश्यप को 2024 में सीएम बिहार का बना दिया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में 2024 में मनीष कश्यप सीएम बनने वाले हैं, या आप लोग क्या चाहते हैं कि 2024 में मनीष कश्यप को सीएम बनाना है या नहीं बनाना है। चंदा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप गाना गा रही हैं, किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप को? देखिए, मनीष भैया समाज में काफ़ी अच्छा काम करते हैं जी। और शायद मेरे को लगता है कि आजकल जितना भी सरकार के तौर पर चुना जाता है, तो मेरे को लगता है कि उन सब में मनीष भैया को अगर चुना जाए, अगर पब्लिक उनको चुने, उनको सपोर्ट करे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मनीष भैया मतलब एक पत्रकार होकर भी अपना फर्ज ऐसे निभाते हैं, मतलब समाज की सेवा में वो अपना जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो हमारे देखने से लगा कि शायद उनको अगर सरकार के तौर पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ भी हो, अगर उस तौर पे उनको वहाँ पे बना दिया जाए, तो फिर और मेरा समाज सुधर जाएगा और मेरा राज्य भी सुधर जाएगा। तो यही सब सोच करके मैं पब्लिक से ये बोली गाना के माध्यम से कि अगर उनको 24 में सीएम बना दिया जाए, तो ज़्यादा हमारा बिहार के लिए लाभदायक होगा, ज़्यादा फायदा में। आप तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में बोल दी कि उनको सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन जो उप सीएम है हमारे तेजस्वी जी, उन पे काहे गुस्सा आपका फूट रहा है? देखिए, मनीष भैया के ऊपर जो भी FIR दर्ज हुआ, तो वो फर्जी वीडियो था या क्या था, मेरे को तो उतना मालूम नहीं था। लेकिन मनीष भैया को मैं बहुत मानती हूँ, और उनको ही नहीं, और ये नहीं कि मनीष भैया मेरा कुछ लगते हैं इसलिए मैं उनको मानती हूँ। मनीष भैया इतना अच्छा कर्म करते हैं, इनका अच्छा, इतना अच्छा उनका सलाह रहता है कि मतलब इसीलिए मैं भी उनका काफ़ी मतलब गहरा फैन हूँ। क्योंकि जो भी वो वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल लगता है मेरे को कि वो सच है। हाँ, ज़्यादा करके समाज के भलाई के लिए वो वीडियो बनाते हैं। का है गुस्सा जो आपने गाना गाया थोड़ा? क्योंकि अगर किसी को, अगर आपसे भी मतलब मानते हैं मनीष भैया को, आप भी मानते हैं और आपके नजर में वो सही है, और उस पे कोई इल्जाम लगाए झूठा, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो इसीलिए मैं एक मतलब गुस्सा में गाना गाई, जबकि इस गुस्सा में गाना गाई तो उनको मैं नाम उनका नहीं रखी हूँ, बट ये बताई हूँ जरूर ऐसे गाना का भाव है। जी जी बताइए। करता उ बड़का घोटाला हो, बनता बारूद के मसाला हो, लगे से बैठी कोट नीति करता हो, एगो नौआ फेल लैका राजनीति करता हो, एगो नौआ फेल लैका राजनीति करता। मेरा गला अभी थोड़ा फंसा हुआ है, इसीलिए उतना चले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी गाना गा रहे सही है, लेकिन नौवा फेल लेकर राजनीति करता तो सीधा सीधा जो है तेजस्वी यादव की बात आ रही है। जी, तो बिल्कुल उन्हीं पे है ही। जी जी, तेजस्वी यादव पे है। जी, उन्हीं पे है। डरने नहीं लग रहा है कि आपको ऊपर भी FIR कर दे, आपको भी जेल में डाल दे? हम नहीं डरते, जिस तरह मनीष भैया नहीं डरते, वो भी बिहार से ना है, हम भी बिहारी है भाई, काय डरेंगे। पब्लिक के डिमांड से भी बोल सकते हैं ना उनको, हम जब चाहे तो गिरा सकते हैं, जब चाहे तो उठा सकते हैं, हम क्यों डरेंगे उनसे? वो नौवा फेल है तो कोई बोल देगा नौवा फेल है भाई। जी, जी, जी। इसमें साफ साफ सच्चाई दिख रहा है कि नौवा फेल है, तो कोई भी बोल सकता है कि नौवा फेल है। तो गाना गा दियो, क्या की हुई इसमें? अच्छा, कम कहिले हो तब फंस गईले हो, आसारा धरवनी हो कब ले आई है हो, देखी दिल में बड़ी होता पीराए माई, फंस गईले देशवा के हीराए माई, फंस गईले देशवा के हीरे माई, रहले उनेक पतर कारे माई, यह दिल में सोच उठे पीरा माई,
फंस गईले देशवा के हीरे माई, फंस गईले देशवा के। बहुत